हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीति है, मैं दिल्ली से हूँ। आज मैं आपके पास एक यूनिक बिजनेस प्लान लेके आई हूँ। इस प्लान में इतनी पोटेंशियल है कि कोई अगर व्यक्ति 3 महीने से लेके 6 महीने तक इस बिजनेस प्लान को करता है तो 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक इजिली पहुँच सकता है। सो, मेरा रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मेरा दावा है जिन लोगों की एक अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की तलाश है, आज वो तलाश पूरी हो जाएगी। किसी भी कंपनी को करने से पहले लोग 3 P जरूर देखते हैं कि कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट की प्राइसेस क्या है, क्या क्वालिटी है, एंड थर्ड कंपनी का पेआउट क्या है, उनका पेआउट के सिस्टम्स क्या है। बट मेरा मानना है कि किसी भी कंपनी को करने से पहले उसका एजुकेशन सिस्टम जरूर देखना चाहिए। अगर उस कंपनी में एजुकेशन सिस्टम अच्छा है तो कंपनी में जुड़े हुए व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सो, प्रोफाइल की बात करें तो हमारी कंपनी की 3 यूनिवर्सिटीज है। इंद्रप्रस्थ के नाम पे 21 स्कूल और कॉलेजेस हैं। 5 TV चैनल का लाइसेंस है, जिसमें से 3 ऑन एयर है। अगर आपके घर में एयरटेल या टाटा स्काई है तो आप देख सकते हैं। ओके फिल्म्स के नाम से फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। ओके मूवीज के नाम से मुक्ता आर्ट के कोलैबोरेशन में 6 मूवीज बना चुके हैं। और ओके सिनेमास के नाम से 44 सिनेमा हॉल्स है हमारे। और काठमांडू में फन वैली के नाम से 1 of the biggest वाटर पार्क है। दृष्टि होटल्स में भी है। और आज जिस डिवीजन के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है ओके लाइफ केयर, जो लगभग 7.5 एकड़ में उसका कैंपस फैला हुआ है। इन सारे बिजनेस को मैनेज करने वाले जो शख्स हैं उनका नाम है डॉक्टर जोगिंदर सिंह दलाल, जो हमारे कंपनी के चेयरमैन भी हैं। हमारे कंपनी के दूसरे पार्टनर हैं दिनेश कुमार सारन, जो हमारे कंपनी के एज अ CEO भी हैं, जो बहुत अच्छे शानदार मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर हैं और 20 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। सो, मैं ये बोल सकती हूँ आप बहुत ही सुरक्षित हाथों में हैं, जिसमें से 2 पार्टनर अपने अपने फील्ड में मास्टर हैं। जोगिंदर सर की बात करूँ तो मैनेजमेंट में मास्टर हैं, और डीके सहारन की बात करूँ तो वो नेटवर्क मार्केटिंग के मास्टर हैं। अगर हम बात करें एक्रेडिटेशन की तो एसोचैम के मेंबर हैं, PhD चैम्बर के मेंबर हैं, FDSC के मेंबर हैं, रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ह्यूमन राइट्स के मेंबर हैं, MSME ISO सर्टिफिकेशन है, और स्टार्टअप इंडिया एंड मेक इन इंडिया के भी मेंबर हैं। साथ में भारत सरकार ने नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जिस स्टेट में भी गाइडलाइन लाई है उन सभी स्टेटों में हम सर्टिफाइड हैं। इवन केरला, इन सभी के सर्टिफिकेशन हमारे वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पी की बात करें प्रोडक्ट की, तो हमारी कंपनी के पास 125+ प्रोडक्ट हैं, जबकि मात्र 2 साल पुरानी कंपनी है। तो मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगी, भारत की पहली ऐसी कंपनी है जो स्टार्ट होने से पहले 5 साइंटिस्ट को अपने पैनल पे लेती है, देन कंपनी स्टार्ट करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 125 प्रोडक्ट्स हैं, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हमारे साइंटिस्ट द्वारा ही फॉर्मुलेट किए गए हैं, इसीलिए वो प्रोडक्ट्स कहीं भी किसी दूसरी कंपनी से मैच नहीं करेंगे। अगर हम प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो लगभग सारे प्रोडक्ट रेंज हमारे पास हैं, चाहे वो पर्सनल केयर हो, होम केयर हो, किचन केयर हो, फूड सप्लीमेंट्स हो, चाहे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हों या टारगेटेड आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स क्यों ना हो। इसमें बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात मैं ऐड करना चाहूँगी, जैसा कि लोगों की एक मिथ है कि नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट बहुत ही महंगे होते हैं, पहली एक ऐसी कंपनी है जो इस मिथ को तोड़ी और हमें ट्रेडिशनल मार्केट के रेट पर प्रोडक्ट प्रोवाइड किए। तो अभी तक हमने बात की अपने प्रोडक्ट के रेंज की। फॉर एग्जाम्पल हम अगर देखें तो प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट के रेट्स देखें तो ट्रेडिशनल मार्केट के रेट पे आपको अवेलेबल है या उससे कम में भी। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, यहाँ पे बाथिंग सोप 78% TFM के साथ 100 ग्राम सोप 25 रुपये का, ऑलमोस्ट आपको ये ट्रेडिशनल मार्केट में तो नहीं मिलेगा। तो मैं अभी स्क्रीन पे आपको एक कंपेयर चार्ट शो करूँगी, इसमें आप कंपेयर कर सकते हैं कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, अगर उसमें अगर आप जनरल प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो कितना प्राइस चला जाता है आपका, और वहीं ट्रेडिशनल मार्केट में अगर प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो कितना प्राइस चला जाता है, और हमारे यहाँ मतलब ओके लाइफ केयर में आप प्रोडक्ट परचेस करते हैं जनरल प्रोडक्ट्स तो कितना प्राइस चला जाता है। तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में, ट्रेडिशनल मार्केट में और हमारे यहाँ ओके लाइफ केयर में प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो कितना डिफरेंस चला जाता है। सो, देखा जाए मार्केट में तो 2 ही तरह के लोग हैं, पहले कंज्यूमर जिन्हें सही प्रोडक्ट सही प्राइस में चाहिए, दूसरे नेटवर्कर, हमारे और आप जैसे नेटवर्कर जिन्हें प्लान में भी पैसा चाहिए। अगर ये दोनों क्वालिटी एक ही प्लान में मिल जाए, डेडली कॉम्बिनेशन रहेगा या नहीं, जो ओके लाइफ केयर के पास है। तो फाइनली बात करते हैं अपने बिजनेस प्लान की। तो मैं आपको अगली इनकम बताने से पहले आपको बताना चाहूँगी एक बात कि हमारा 2 लाख का बिजनेस प्लान है जो प्योर जनरेशन प्लान है, ना कि बाइनरी है। जैसा कि बाइनरी में कैरी फॉरवर्ड होता है, यहाँ पे बिल्कुल भी कैरी फॉरवर्ड नहीं है और कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है, पेयर इनकम नहीं है। यहाँ पे पॉइंट वैल्यू के आधार पे आपकी इनकम जनरेट होती है। मतलब ये है कि जनरेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, बट चलता 2 लाख पे है हमारा प्लान।
बिजनेस प्लान की बात करें तो ओके लाइफ केयर में कुल 7 प्रकार की इनकम है। पहली इनकम है रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट में आपको 20-40% रिटेल प्रॉफिट दिया जाता है। तो अपने दूसरे इनकम की बात करूँ तो उसका नाम है एक्टिव बोनस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 लाख का बिजनेस प्लान है, जब टीम ए में 2500 बिजनेस वॉल्यूम डालते हैं और टीम बी में 2500 बिजनेस वॉल्यूम डालते हैं तो बनता है आपका एक एक्टिव बोनस पॉइंट। तो जिसमें कंपनी अपने उस महीने के बिजनेस वॉल्यूम के टर्नओवर का 30% निकाल के उन लोगों में बांट देती है जिनके पास एक्टिव बोनस पॉइंट होता है। तो इसके पॉइंट वैल्यू की बात करें तो बताते तो 250 रुपये हैं, पर कभी भी 301 रुपये से कभी ये कम आया नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी टीम ए में 2500 और कभी टीम बी में 2500 होते हैं तो कम से कम आपको 250 रुपये तो आएंगे आएंगे। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे 2500 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट और 2500 बिजनेस वॉल्यूम राइट करते हैं तो एक पॉइंट बनता है, वैसे अगर 50,000 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट और 50,000 बिजनेस वॉल्यूम राइट करते हैं तो 20 पॉइंट बनते हैं। और एक पॉइंट की वैल्यू जैसा कि मैंने बताया 250 है, अगर वही माने तो 5,000 कम से कम एक्टिव बोनस पॉइंट बनते हैं। तो इस हिसाब से 50,000 की मैचिंग आप कराते हो तो आपकी 5,000 की इनकम बनती है। यहाँ पे एक बात और मैं मेंशन करना चाहूँगी कि कभी भी इसकी वैल्यू 301 रुपये से कम कभी आई नहीं है। जैसा कि मैं अपनी तीसरी इनकम की बात करने जा रही हूँ जिसका नाम है कंसिस्टेंसी बोनस। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, कंसिस्टेंसी मतलब लगातार। जैसा कि मैंने आपको पिछली इनकम बताई आपको एक्टिव बोनस, जब 2500 बिजनेस वॉल्यूम टीम ए में और 2500 बिजनेस वॉल्यूम टीम बी में करते थे तो आपका बनता था एक पॉइंट। तो वही एक्टिव बोनस अगर आपने 3 महीने रेगुलर मेंटेन कर दिए तो आपको नेक्स्ट इनकम कंसिस्टेंसी बोनस स्टार्ट हो जाती है, जिसमें कंपनी अपने उस मंथ के बिजनेस वॉल्यूम के टर्नओवर का 10% और निकाल के उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है जो 3 महीने लगातार एक्टिव बोनस पॉइंट अचीव किए हों। अगर हम कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट की वैल्यू की बात करें, बताते तो 100 रुपीज़ है पर कभी भी 140 रुपये से कम नहीं आया है। तो अगर मैं फिर से एग्जांपल 50,000 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट और 50,000 बिजनेस वॉल्यूम राइट का लूँ तो जैसे एक्टिव बोनस पॉइंट आपका 20 पॉइंट बना था, वैसी कंसिस्टेंसी बोनस भी आपकी 20 पॉइंट बनेंगे। और एक पॉइंट की वैल्यू अगर यहाँ पे 100 रुपीज़ रख रहे हैं तो आपकी कंसिस्टेंसी इनकम भी 2,000 रुपीज़ बन जाएगी। यहाँ पे एक बात मैं फिर से मेंशन करना चाहूँगी कि आज तक कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट की वैल्यू 140 रुपये से कम कभी नहीं आई है। तो अब हम बात करेंगे अपनी चौथी इनकम की जिसका नाम है सुपर एक्टिव बोनस। सुपर एक्टिव बोनस की बात करें तो सुपर एक्टिव बोनस तब स्टार्ट होता है जब 1 मंथ में टीम ए में 50,000 बिजनेस वॉल्यूम और टीम बी में 50,000 बिजनेस वॉल्यूम चला जाता है तो आपको स्टार्ट हो जाता है सुपर एक्टिव बोनस। कंपनी उस महीने के बिजनेस वॉल्यूम के टर्नओवर का 15% और निकालती है और उन लोगों में बांट देती है जो उस मंथ में 50,000 बिजनेस वॉल्यूम मेंटेन किए हों। तो हम बात करें सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट की वैल्यू की तो आज तक बताते तो 4,000 है पर आज तक कभी 5,000 से कम आया नहीं है। तो फिर से एक एग्जांपल से बात करते हैं कि 50,000 बिजनेस वॉल्यूम जब हम मैच करा रहे थे तो एक्टिव बोनस पॉइंट 20 पॉइंट बन रहे थे, वहीं कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट भी 20 पॉइंट बन रहे थे। और इसी सेम बिजनेस पे आपको एक पॉइंट और बनने लगेगा जिसका नाम है सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट, जिसकी वैल्यू 4,000 रुपीज़ है। तो इसका मतलब ये है कि सेम टर्नओवर पे आपकी एक और इनकम बढ़ जाती है। तो अब मैं बात करने वाली हूँ अपने पांचवी इनकम का जिसका नाम है कार फंड। जैसा कि आपने पिछली इनकम देखा सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट, वो कैसे आती थी, जब 50,000 बिजनेस वॉल्यूम टीम ए से और 50,000 बिजनेस वॉल्यूम टीम बी से आता था तो बनता था एक पॉइंट। कंपनी कहती है कार फंड लेने के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी, बस जो सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट आप कर रहे थे उसी को 3 महीने रेगुलर मेंटेन कर दीजिए तो आपको नई इनकम स्टार्ट हो जाती है कार फंड पे। कार फंड कंपनी अपने बिजनेस वॉल्यूम के उस महीने के बिजनेस वॉल्यूम के टर्नओवर का 7.5% और निकाल के उन लोगों में बांट देती है जो सुपर एक्टिव बोनस 3 महीने रेगुलर मेंटेन किए हों। और यदि कार फंड पॉइंट्स की बात किया जाए तो बताते तो 3,500 रुपये हैं बट आज तक कभी 4,000 से कम नहीं आई है। अगर हम फिर से बात करें एग्जाम्पल की कि 50,000 बिजनेस वॉल्यूम टीम ए में और 50,000 बिजनेस वॉल्यूम टीम बी में रेगुलर मैच कर रहे हैं तो एक इनकम और स्टार्ट हो जाती है सेम टर्नओवर पे, उसका नाम है कार फंड, जिसकी वैल्यू 3,500 रुपये है। तो अब हम बात करते हैं अपनी छठी इनकम का जिसका नाम है हाउस फंड। हाउस फंड की बात करें तो आपको पिछली इनकम याद होगी कार फंड। कार फंड कैसे आता था, जब 50,000 बिजनेस वॉल्यूम 3 महीने रेगुलर मेंटेन करते थे तो कार फंड स्टार्ट हो जाता है। कंपनी कहती है आपको हाउस फंड लेने के लिए कुछ नहीं करना है, 3 महीने और मतलब 6 मंथ रेगुलर
आप मेंटेन कर दीजिए 50,000 बिजनेस वॉल्यूम टीम ए में, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम टीम बी में, तो आपको इनकम स्टार्ट हो जाती है। हाउस फंड, हाउस फंड कंपनी अपने बिजनेस वॉल्यूम के उस मंथ के बिजनेस वॉल्यूम के टर्नओवर का 5% और निकालती है और उन लोगों में बांट देती है जिन्होंने 6 महीने लगातार 50,000 बिजनेस वॉल्यूम मेंटेन किया हो। अगर हम बात करें अपने हाउस फंड की एक पॉइंट के वैल्यू की, तो बताते तो 3,000 हैं बट कभी भी ये 3,500 से लेके 3,900 से कम नहीं आई है। तो मैं आपको एक फिर से एग्जांपल देना चाहूँगी, अगर आप 6 महीने लगातार 50,000 बिजनेस वॉल्यूम मेंटेन कर लेते हैं टीम ए में और टीम बी में, एक और इनकम आने लगती है पांचवी, जिसका नाम है हाउस फंड। तो अगर हम सारी इनकम को टोटल करें तो आता है ऑलमोस्ट 17,500। बट आपको मज़े की बात है, एक चीज़ बताती हूँ कि ये जो 50,000 बिजनेस वॉल्यूम आप 6 महीने तक लगातार मैच कर रहे हैं, अगर टोटल किया जाए तो आज तक 22,500 से लेके 23,000 से कम नहीं आई है। और अभी हमारी एक इनकम बची हुई है फ्लैक्सिप बोनस। तो कंपनी ये बोलती है जितने लोगों को आप डायरेक्ट स्पॉन्सर करेंगे, वो चाहे 4 हो 6 हो अनलिमिटेड, उनके नेट इनकम का आपको 10% आता है लाइफ टाइम विदाउट एनी कंडीशन। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप आते हैं टॉप पे, आपने किसी को ज्वाइन कराया डाउनलाइन 1 को और 1 ने स्पॉन्सर किया डाउनलाइन 2 को और 2 ने स्पॉन्सर किया डाउनलाइन 3 को, यहाँ पे किसी ने दूसरा लेग ओपन तक नहीं किया है। मान लेते हैं 3 ने अपने दोनों लेग ओपन करके जो कंडीशंस है 3 मंथ्स कंटिन्यू किया, कार्पन लेना स्टार्ट कर दिया, 6 मंथ रेगुलर मैच करके अपना हाउस फंड लेना स्टार्ट कर दिया, इस तरह वो काम करता रहा लगातार 3-4 साल तक और उसकी इनकम 25-30 लाख रुपए हो गई। तो उसके होल इनकम का, उसके होल नेट इनकम का 10% जिसने स्पॉन्सर किया था, मतलब 3 को डाउनलाइन 3 को स्पॉन्सर किसने किया था, डाउनलाइन 2 ने, तो उसके नेट इनकम का 10% डाउनलाइन 2 को जाएगा। तो इस हिसाब से अगर डाउनलाइन 3 की इनकम 30 लाख रुपए पर मंथ की हो जाती है तो उसको स्पॉन्सर किसने किया था, डाउनलाइन 2 ने, तो उस 30 लाख रुपए का 10% होता है 3 लाख, जो जाएगा डाउनलाइन 2 को। और डाउनलाइन 2 की इनकम कितनी हुई, 3 लाख रुपए, तो डाउनलाइन 2 को स्पॉन्सर किसने किया था, डाउनलाइन 1 ने, तो वो 3 लाख रुपए का 10% कितना होता है, 30,000 रुपए, उस 30,000 जाएगा डाउनलाइन 1 को और 30,000 का 10% कितना होता है, 3,000 रुपए, 3,000 किसे जाएगा, जो टॉप पे था, मतलब आप। ये पैसा तब तक बढ़ता है जब तक ये पैसा जीरो ना हो जाए। तो जैसे कि आपकी इनकम कितनी थी, 3,000 का 10% 300, 300 का 10% 30 रुपए, 30 रुपए का 10% 3 रुपए, 3 रुपए का 10% 30 पैसे और 30 पैसे का 10% 3 पैसे। ये तब तक बढ़ता रहता है जब तक वो जीरो ना हो जाए। तो मैं बात करती हूँ इस प्लान के कंक्लूजन की। तो आपको होल लाइफ में एक ही काम करना है, ओके लाइफ केयर में 50,000 बिजनेस वॉल्यूम टीम ए में, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम टीम ए में 6 मंथ रेगुलर मैच कराना है, देन आपकी सारी इनकम स्टार्ट हो जाती है। तो ध्यान से देखा जाए, रिटेल प्रॉफिट को छोड़ के कुल 6 प्रकार की इनकम है जो आपको आती है। तो पूरे प्लान में 2 ही स्लैब है, जब 2,500-2,500 बिजनेस वॉल्यूम मैच करता है तो 2 इनकम स्टार्ट हो जाती है, एक्टिव बोनस पॉइंट और कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट, जहां कंपनी के बिजनेस वॉल्यूम के टर्नओवर का 40% बांटा जाता है। दूसरा स्लैब है 50,000 की बिजनेस वॉल्यूम जब मैच होता है तो स्टार्ट होता है सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट, कार फंड और हाउस फंड, जो कंपनी के टर्नओवर का 27.5% बांटा जाता है। और जो लास्ट इनकम है फ्लैक्सिप बोनस, उसमें तो कोई कंडीशन है ही नहीं, वो डे 1 से बांटा जाता है 10%। और इस तरीके से पूरे अगर डिस्ट्रीब्यूशन को जोड़ दिया जाए तो कंपनी अपने बिजनेस वॉल्यूम के टर्नओवर का 77.5% बांटती है। तो हमारे यहाँ आपको 77.5% लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनफैक्ट आपको किसी भी कंपनी का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन लेना हो तो क्या करना पड़ेगा, उस कंपनी के टॉप रैंक पे जाना पड़ेगा, देन आपको पूरी डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है। तो हमारे यहाँ आपको 77.5% लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, टॉप रैंक पे जाना पड़ेगा। टॉप रैंक क्या है, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम टीम ए में, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम टीम बी में रेगुलर 6 मंथ मेंटेन करना है, तो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन आपको आने लगता है 77.5%। सो इस प्रकार से मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि दुनिया का सबसे ईजीएस्ट प्लान है, मात्र 50,000 बिजनेस वॉल्यूम के 6 मंथ रेगुलर मैचिंग पे आपको सारी इनकम आने लगती है, पूरी डिस्ट्रीब्यूशन 77.5% आपको आने लगता है। इसके अलावा हमारे पास ढेर सारे ऑफर मंथली चलते रहते हैं, जैसे कंसिस्टेंसी ऑफर, फ्री प्रोडक्ट्स ऑफर, इंटरनेशनल टूर्स, नेशनल टूर्स। अगर इसके अलावा और कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो आप उन लोगों से संपर्क करें जिन्होंने इस वीडियो का लिंक आपको सेंड किया है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच मेरा बिजनेस प्लान देखने के लिए।
तो यदि अगर आपको एक अच्छे प्रोडक्ट बेस्ड एथिकल कंपनी की ज़रूरत हो जहाँ पे ना कंज्यूमर को लुटा जाता है ना ही नेटवर्कर को, तो मैं प्रीति आपका स्वागत करती हूँ ओके लाइफ केयर के परिवार में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।